हमने स्टार्टअप इंडिया की चर्चा की तो उन्होंने उसके लिए भी निराशा फैलाई, स्टार्टअप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने डिजिटल इंडिया की बात कही तो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने क्या भाषण किए, हिंदुस्तान के लोग तो अनपढ़ है, हिंदुस्तान के मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, हिंदुस्तान के लोग कहां से डिजिटल करेंगे। आज डिजिटल इंडिया देश आगे है। हमने मेक इन इंडिया की बात कही, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इतिहास रहा है कि उन्हें भारत पर, भारत के सामर्थ्य पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है। भाषण पूरा नहीं हुआ आदरणीय अध्यक्ष जी। और ये विश्वास किस पर करते थे, मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते हुए पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगाववादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया, इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था, ये इनकी प्रवृत्ति थी। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है तो इन्हें उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है, तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। ऐसा मैग्नेटिक पावर है कि भारत खिलाफ हर चीजें वो तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे कोई विदेशी एजेंसी कहती है कि भुखमरी का सामना कर रहा कई देश भारत से बेहतर है, ऐसा झूठी बात आएगी तो भी पकड़ लेते और हिंदुस्तान में प्रचार करना शुरू कर देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। भारत को बदनाम करने में क्या मजा आता है। दुनिया में कोई भी ऐसी बेतुकी बातों को मिट्टी के ढेले जैसी जिसकी कीमत ना हो, ऐसी बातों को तवज्जो देना ये कांग्रेस की फितरत रही है और तुरंत उसका भारत में एम्पलीफाई करना, प्रचार करना, पूरी इकोसिस्टम लग जाती है। कोरोना में कि महामारी आई, भारत के वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाया, उन्हें भारत के वैक्सीन पर भरोसा नहीं, उनको भारत के वैक्सीन पर भरोसा नहीं, विदेशी वैक्सीन पर भरोसा, ये इनकी सोच रही। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कोटि कोटि नागरिकों ने भारत के वैक्सीन पर विश्वास जताया। इनको भारत के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है, इनको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस सदन को मैं बताना चाहता हूं, इस देश का भी, भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस